अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हो अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि आप और आपके घर वाले सदा सलामत रहें और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके सर पे आपके माँ बाप का साया हमेशा से रहे। अब भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो ठीक है, मगर बेल आइकन पर एक मरतबा क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। शुक्रिया। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुसलसल बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट की दूसरी बेहतरीन टीम बन गई। बेहतरीन गेंदबाजी के मामले में पाकिस्तान को 2018 के दौरान खेले गए टेस्ट मैचेस की दूसरी बेहतरीन टीम करार दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुसलसल बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट की दूसरी बेहतरीन टीम बन गई। बेहतरीन गेंदबाजी के मामले में पाकिस्तान को 2018 के दौरान खेले गए टेस्ट मैचेस की दूसरी बेहतरीन टीम करार दे दिया गया। पाकिस्तान के अजीम टेस्ट क्रिकेटर यूनस खान और मिसबाउलक की रिटायरमेंट के बाद गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बदतरीन रही है। ताहम पे दर पे शिकस्तों के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट की दूसरी बेहतरीन टीम बन गई। जारी किए गए ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक बेहतरीन गेंदबाजी के मामले में पाकिस्तान को 2018 के दौरान खेले गए टेस्ट मैचेस की दूसरी बेहतरीन टीम करार दिया गया है। जारी किए गए ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की गेंदबाजों ने 2018 में खेले गए 9 टेस्ट मैचेस में 24.15 की औसत से विकटें हासिल किए हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के गेंदबाजों ने 23 की औसत से विकटें हासिल की है। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। मेरी न्यू वीडियो आने तक अपने घर वालों का, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सदा सलामत रहे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।